नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आज है संडे और तारीख हो गई आज 30 जनवरी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुंदर सा फ्लावर प्लांट प्रेमुला का। और कलर आप देखिए कितना ही प्यारा, ये पर्पल कलर है और पर्पल के बीच में येलो के अलग से डॉट्स हैं, तो बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा लग रहा है। और आज का जो वीडियो है हमारा वो ख़ास वीडियो है, मैं आपको और भी बहुत चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको भी अच्छी लगेगी और आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा देखकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं बात कर रहा था प्रेमुला के फ्लावर प्लांट के बारे में। हम कलर की बात कर रहे थे, मैंने आपको ये पर्पल कलर आप देख रहे हैं वीडियो में, और अभी तक मैं आपको सच बताऊँ मुझे नहीं पता था कि प्रेमुला में इतने सारे कलर होते हैं। ये जो प्लांट जो छोटी सैपलिंग होती है उससे ग्रो मैंने किए थे ये, और आप मतलब मेरे प्लांट देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। एक ही ट्रे से मैं 5 पौधे लेकर आया था और मैं आपको 5ों पौधे दिखाऊंगा। ये देखिए, एक पौधा तो ये आपने देख ही लिया है, दूसरा पौधा ये देखिए इसका कलर है येलो, तीसरा पौधा आप देखिए इसका कलर है रेड, ये देखिए, और अब चौथा पौधा आप देखिए इसका कलर है मेहरून, और पांचवा कलर आप देखिए इसका कलर है पिंक। तो कहने का मतलब कि पांचों के पांचों पौधे अलग ही कलर के मेरे निकले हैं, और ये बात मुझे पता चली है अभी फूल खिलने के बाद में। तो मुझे काफ़ी हैरानी भी हुई और काफ़ी खुशी भी हुई कि मेरे जो पौधे मैंने प्रेमुला के लगाए थे उनके सबके जो कलर हैं वो मुझे अलग अलग देखने को मिले। और आप मुझे ये मैंने गूगल भी किया है कि प्रेमुला में कितने कलर होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं और इसमें वाइट भी होता है और बाकी 4-5 कलर और होते हैं, 5 तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने प्रेमुला के अभी तक कितने कलर अपने गार्डन में लगाए हैं और कितने कलर आपके ये आपने देखे हैं। तो आइए आगे चलते हैं गार्डन में, और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज हालचाल ले रहा हूं अपने गार्डन का। जो पौधे हैं वो लगभग सारे ब्लूम पर हैं, और ब्लूमिंग का ये अभी सीज़न चल रहा है जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च जो विंटर्स के फ्लावर हैं वो सारे ब्लूम पे रहेंगे और उनके कलर और उनके स्टाइल जो है वो निखर कर आएंगे। तो ये है सिनारेरिया, और इसके मेरे पास 2 कलर अभी खिल पाए हैं। ये देखिए, ये पर्पल कलर है और एक एक डार्क मैरून कलर है, और एक प्लांट और है वो भी पर्पल कलर का ही है। तो 3 प्लांट मेरे पास टोटल थे सिनारेरिया के, और तीनों पे ही बर्ड्स काफ़ी आए भी हैं और ब्लूम इन पर स्टार्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ मेरे पास और क्या क्या ब्लूम पे आया हुआ है। ये एवरग्रीन प्लांट आप देख रहे हैं, ये है डाइंथस, और डाइंथस के मेरे पास 2 कलर हैं। प्लांट हालांकि ज़्यादा है लेकिन कलर केवल 2 ही हैं। ये भी काफ़ी अच्छा खिल रहा है और आप धूप निकली है तो ये और भी निखर कर आ गए हैं। और ये देखिए, ये डेजी का फ्लावर है, इसकी कहानी कुछ अजीबोगरीब है। जब ये मैंने सीडलिंग ग्रो की थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई फ्लावर प्लांट है, ऐसा लग रहा था जैसे पालक के कोई पौधे होते हैं, क्योंकि सीड्स तो मैं लेकर आया था लेकिन धोखे से ये सीड्स उगाए गए हैं। मतलब मुझे श्योर नहीं था कि मैंने डेजी के जो सीड्स हैं वो बो दिए हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी साथ में रहते हैं गार्डन में, तो उन्होंने किसी एक पॉट में डाल दिए थे और उसमें बहुत सारे सीड्स उगाए। तो
जब प्लांट बड़े होने लगे तो कुछ कुछ ऐसा लगा जैसे कि ये पालक के पौधे हों, और हमने इनको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रो होने दिया। एक दिन मैं नर्सरी में गया हुआ था तो वहाँ मैंने इसको देखा कि ये डेजी का प्लांट है, तो तब जाकर हमने इनको अलग अलग अपने 3-4 पॉट्स में डिवाइड किया, और एक पॉट्स में 4-4 पौधे हमने इनके लगाए हुए हैं अभी, और इन पर अब ब्लूमिंग आ गई है। और ब्लूमिंग का आप देखिए कि इसका जो फ्लावर है वो कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो ये डेजी का फ्लावर हो गया। इसके और छोटे छोटे से लगाए थे मैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे से ये खांडी है और छोटे छोटे से पॉट्स हैं, इनमें भी लगाए हुए हैं, तो ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मैं आपको ये पहले दिखा चुका हूँ कॉस्मोस के फ्लावर, बड़े प्यारे और बड़े सुंदर। और इसके बाद ये देखिए, ये जरबेरा आप देख रहे हैं, ये भी ब्लूम पर है, और 3-3, 4-4 बर्ड्स इन पर खिलने को अभी तैयार हैं बिल्कुल। तो पिछले साल मैंने ये पौधे बाई किए थे और लगाए थे, पिछले साल से मैंने इनको संभाल के रखा, और इस बार इन पर काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो अब मैं बात करूँगा आगे इम्पेशंस की। ये देखिए, इम्पेशंस पे भी फ्लावरिंग हो रही है बढ़िया वाली, और 2-3 इसमें पैटर्न्स खिल रहे हैं। और अब एक और पौधा जो काफ़ी अट्रैक्टिव मेरे गार्डन में फ़िलहाल है, ये पौधा है लिलियम का। और लिलियम की मैं आपको बता दूं कि इसमें कलर्स बहुत सारे होते हैं, और एक ये लिली की ही वैरायटी होती है, इसका नाम है लिलियम। और इसका जो फ्लावर होता है वो सिर्फ एक बार खिलने के बाद इस पर दोबारा नए बर्ड्स नहीं आते हैं। जैसे इस पर एक प्लांट पर 2 या 3 बर्ड्स आप देख रहे हैं, 2 आई हुई है या 3 आई हुई है, वो जब एक बार खिल जाएंगी उसके बाद इन पर नई बर्ड्स नहीं आएंगी। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये एक साल में एक बार बर्ड्स आने के बाद उन पर फ्लावरिंग खिल जाएंगी, और फिर ये अगले साल आप इसको ग्रो कर सकते हो। और ग्रो भी इसको बल्ब से भी किया जा सकता है, बाकी आप अगर चाहें तो नर्सरी से प्लांट बाई करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और मैं प्लांट की खूबसूरती आपको दिखा दूं पहले, तो कितना खूबसूरत प्लांट है ये, इसका फ्लावर देखिए आप, कितना बेहतरीन लग रहा है। और ऐसी कलाकारी इसमें भगवान ने की हुई है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं, मेरे पास 2 ही कलर अभी खिल पाए हैं, एक कलर है वाइट और दूसरा कलर है ये डार्क रेड। देखिए डार्क रेड भी कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है, और एक है वाइट, और वाइट के अंदर चॉकलेट कलर के 4-5 आपने बीच में देखे होंगे पेटल से दिख रहे हैं आपको, इस तरह से ही ये डार्क रेड कलर में है। और एक तीसरा प्लांट और है जिसकी जो बर्ड्स हैं वो अभी खिल नहीं पाई हैं, लेकिन अंदाजे से लग रहा है कि ये भी शायद डार्क रेड होने वाला है। तो ये मेरा लिलियम का पौधा, और इसको लगाए हुए मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया। नर्सरी से मैं छोटा सा प्लांट लेकर आया था, और 1.5 महीने के बाद ये आप देखिए, और ये फूल खिल गया है। ये लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे ही फूल रहेगा अगर कोई बारिश वारिश या हवा ना आई तो। और अब आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी नए प्लांट्स की, मैं अपने गार्डन में क्या क्या नए प्लांट्स ऐड करने वाला हूँ, क्या क्या मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाया था। तो उसमें एक तो ये स्टॉक का प्लांट आप देख रहे हैं, और इधर जाफरी है, 3 प्लांट उसके देख रहे हैं, और 6-7 प्लांट में लेकर आया था आइस प्लांट। ये देखिए, इसका नाम है आइस प्लांट, और इनको हमने 8 इंची के पॉट में रिपोर्ट कर लिया है। और आइस प्लांट मैंने बता ही दिया था क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आइस जैसी परत जमी रहती है, और इसके जो फ्लावर होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे कलर के, मतलब कलर भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, और फ्लावर का जो स्टाइल है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। तो ये 6-7 प्लांट आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं। और 2 पौधे मैं लेकर आया था जो मैंने आपको दिखाए भी थे, कि ये पौधे एक ज़माने में बहुत महंगे थे, मतलब कि सोने से भी महंगे इनको बोला जाता था। और ये है ट्यूलिप के पौधे, ट्यूलिप के पौधे भी
बल्ब से ग्रो किए जाते हैं, और जो फ्लावरिंग का टाइम रहता है वो लगभग फरवरी रहता है। फरवरी में इस पर फ्लावर आते हैं। हालांकि आप इस पर बर्ड्स देख रहे होंगे, ये देखिए बर्ड्स भी इस पर अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। मुझे लाए हुए इन्हें 8 से 10 दिन शायद हो गए, जब ये इतने बड़े नहीं थे। आप वीडियो में चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना। तो अब इनकी जो बर्ड्स है वो थोड़ी सी बड़ी आ गई है और इनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी चल रही है अभी, तो इससे फ्लावरिंग आएगी। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरे गार्डन में ट्यूलिप का प्लांट कैसे फ्लावरिंग इस पर हो रही है और कितना अच्छा इसका फ्लावर लग रहा है। तो अब ये नए पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए, और अब इधर मैं कुछ रोजेज आपको दिखाना चाहता हूँ, कितने खूबसूरत रोज मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। और ये जो स्टाइल है इस रोज़ का, ये बहुत ही बेहतरीन है, और ये हाइब्रिड वैरायटी का रोज़ है, और कलर इसका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पिंक एकदम कलर इसका लगाया हुआ है। और कुछ प्लांट हैं अभी रोज़ के मेरे पास, जो पर्पल कलर का एक रोज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये पर्पल कलर का रोज़ है जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है। अभी इस पर फ्लावरिंग आ चुकी है कई बार और अभी भी फ्लावरिंग आ रही है। तो जब फ्लावर खिलने के बाद ऐसे हो जाता है तो मैं उसको तोड़कर फेंक देता हूँ, ताकि फिर और नए जो फ्लावर है वो पौधा प्रोड्यूस कर सके। तो इतना था। और अभी पेंजी के फ्लावर आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे पेंजी, और पेंजी के 8-10 प्लांट मेरे पास लगे हुए हैं। एक एक पॉट में मैंने तो 2-3 प्लांट लगाए हुए हैं, और अलग अलग कलर मेरे पास इनके अवेलेबल हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है मुझे। तो ये अपडेट थी जो नए पौधे मैंने अपने गार्डन में ऐड किए थे, उनकी अपडेट देने के लिए ये वीडियो था, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और मैं इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ये प्लांट आपने देख लिए हैं, बाकी जब नई और फूल खिलेंगे तो फिर मैं एक और नई वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कौन कौन से फूल मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो फूल है ये ब्रोकली का फूल है। ब्रोकली को हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए, तो उसके बाद इसके ऊपर फूल जो था वो खिल गया है, और फूल खिलने के बाद इसके जो फ्लावर्स हैं वो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। शायद आप में से किसी ने ये पहली बार देखे हों, किसी ने हो सकता है उससे पहले भी देखे हों, तो मुझे बड़े पसंद आए। तो ब्रोकली खाने से ज़्यादा अच्छे मुझे इसके ये फ्लावर लग रहे हैं। हालांकि ब्रोकली का अलग ही बेनिफिट्स हैं, अलग ही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मैं नहीं बताऊंगा कि गलत है, लेकिन मुझे फ्लावर्स इसके बहुत पसंद आए। तो इस वीडियो को यहीं अब समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।